आपकी डिमांड पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वन शॉट, और ये वन ऑफ द अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके 4 नंबर नीट या जेई में कंफर्म होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, हर एक चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये नोट्स कहां मिलेंगे भैया? टेलीग्राम पे तुम्हें ये सारे नोट्स मिल रहे होंगे जो मैंने खुद बनाया है पूरा एनसीटी देख देख के, राइट। तो शुरू करते फटाफट से। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है पता होना चाहिए, ड्रग क्या होता है। तो ड्रग एक कोई भी लो मॉलिक्युलर वेट का सब्सटेंस होता है जो कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, बॉडी के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, लो मॉलिक्युलर वेट सब्सटेंस। तो भैया मेडिसिन क्या होते हैं? मेडिसिन ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, समझ में आ गया। ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज है, लेकिन मेडिसिन जो है स्पेसिफिकली इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज, राइट। अगला है ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, राइट। पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि बॉडी में वो क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है, क्या वो फीवर को रिड्यूस करा रहा है, क्या वो सर्दी कम कर रहा है, क्या वो पेन को रिलीव कर रहा है, क्या वो स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसमें सल्फर कंपाउंड है, क्या उसमें रिंग स्ट्रक्चर है, कौन सी रिंग है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। थर्ड है मॉलिक्यूलर टारगेट, कि भैया किस टारगेट पे काम कर रहा है, राइट। मान लो न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है, नर्व एंडिंग पे काम कर रहा है, मसल के एंडिंग पे काम कर रहा है, न्यूरो मसल जंक्शन पे काम कर रहा है, राइट। लास्ट है एक्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग का एक्शन क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो कहां काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये चार चीज है। अगला आता है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, इसमें दो चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। बहुत इजी समझाऊंगा, ज्यादा लॉजिक है नहीं इसके अंदर। मान लो तुम्हारा ये एंजाइम है, एंजाइम पे जो आके जुड़ता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट ही आके देखे प्रोडक्ट बनाता है, और इसी से पूरे बॉडी में जो है वो चीजें होती है, चेंजेस होते हैं, राइट। तो सबस्ट्रेट यहां पे एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। लेकिन होता क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर कोई एक ड्रग आ जाता है जो ड्रग इंटरेक्शन करता है सबस्ट्रेट के साथ, इसके साथ कॉम्पिटिटिव इनिबिट करता है, तू नहीं मैं जाऊंगा इस तरीके से, और आके एक्टिव साइट पर जुड़ जाता है। ये ड्रग जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर आके जुड़ जाता है। अब यहां पे जुड़ गया तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और यहां पे हो गया इनिबिशन, मतलब रोकना, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। सेकेंड, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है, ये एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ता, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के लिए वैसा ही है, लेकिन जो ड्रग है ना वो किसी और साइट पे आके जुड़ता है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम तो मान लो ये अब यहां पे आके जुड़ गया, अब यहां पे आकर ड्रग जुड़ गया ना, तो एंजाइम का शेप चेंज हो गया, तो ये जो एक्टिव साइट का शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, ये चेंज हो जाता है। अब जो सबस्ट्रेट है वो फिर से यहां पर जुड़ नहीं पाएगा, सबस्ट्रेट जो था वो इस एक्टिव साइट पर जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शेप चेंज हो चुका है, क्योंकि ड्रग जो है वो किसी एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ चुका है और उसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसका, राइट। यहां पे दो और कंसेप्ट है, अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट वो होते हैं जो मिमिक्री करते हैं किसी नेचुरल मैसेंजर की सब्सट्रेट की, एंटागोनिस्ट वो करते हैं जो इनिबिट करते हैं, सीधा रिसेप्टर को बाइंड करके इनिबिट कर दिया। अब इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। पहला है एंट एसिड, नाम में ही है, जो एसिडिटी को कम कराए, राइट। अब इनमें पुराने जमाने में कुछ और ड्रग्स थे, ठीक है, खुद दिमाग लगाओ, अगर एसिडिटी कम करवानी है तो बेसिक सब्सटेंस देना पड़ेगा ना भाई। सबसे पहले जो ड्रग आया था, ड्रग क्या है, कहते कंपाउंड कहते, ड्रग तो नहीं है, कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये पहली बार यूज किया गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये एसिडिटी को बिलो लेवल, मतलब मान लो तुम्हारा एसिडिटी है, तुमने ये बेसिक ड्रग दिया, तो ये क्या करता था ना, ये बेसिसिटी को ओवर द लेवल बढ़ाता था। मान लो तुम्हारा रिक्वायर्ड pH था 7 और ये रिक्वायर्ड pH जो है 9-10 कर दिया, मतलब हाइपर बेसिसिटी, ठीक है। तो ये हमने यूज करना बंद कर दिया। फिर हमने यूज करना स्टार्ट किया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इससे तो बेटर थे, ठीक है, ये इससे बेटर थे, लेकिन इनका, इन दोनों का ड्रॉबैक ये था, इन दोनों का ड्रॉबैक ये था कि ये दोनों बस सिम्टम को कंट्रोल कर रहे थे, समझ रहे हो ना, मतलब तुम्हें बुखार आ रही है, तुम बुखार को कम कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का बॉडी में जो चेंजेस है वो तुम कम नहीं कर रहे हो। मान लो तुम्हें, तुम्हारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, टाइफाइड तुम्हें हो गया, तुम्हें बुखार है, तुम बुखार कम करने के लिए सिग्नोफ्लाम खा रहे हो, गोली खा रहे हो, ठीक है, पैरासिटामोल ले रहे हो, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो तो है ना, तो बुखार फिर से आएगा, फिर से आएगा, तो सिम्टम तुम कम कर रहे हो, सो कॉज क्वालिफाई नहीं कर रहे हो।
इस वजह से एडवांस ड्रग मार्केट में आए भैया। अब एडवांस ड्रग जो थे उनमें एक था एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्यों? क्योंकि देखो हिस्टामिन जो होता है ना, हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर भी होता है और हिस्टामिन ही होता है जो तुम्हारा स्टमक के अंदर एसिड को रिलीज कराता है, HCL को रिलीज कराता है, राइट। तो सबसे पहले मार्केट में आया वो था एंटी हिस्टामिन, जो हिस्टामिन को ब्लॉक कर दे तो एसिड रिलीज होगा नहीं, काम खत्म, कॉस खत्म, ठीक है। तो ऐसे एंटी हिस्टामिन जो एंट एसिड के तौर पर यूज होते हैं, एग्जाम्पल साइमेटिडिन, रैनिटिडिन, ठीक है। साइमेटिडिन को डेगामेट कहते हैं, रैनिटिडिन को जेंटेक कहते हैं, याद कर लो नोट से, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सारे एंटी हिस्टामिन एंट एसिड ही होंगे, कुछ अदर एंटी हिस्टामिन भी है जो एंटी एलर्जिक के तौर पर काम करते हैं। सर्दी में हम लोग काम करते हैं, किसी को एलर्जी हो गई, नाक बहरी है, इनमें अपन काम करते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमफेनरामाइन डाइमेटाइट कहते हैं और टर्फेंडाइन जिसको अपन लोग सेल्डेन कहते हैं, राइट। हिस्टामिन जो होता है वो वैसोडायलेटर होता है और निसल कंजेशन भी कराता है, एलर्जी वगैरह करवाता है। तो अगर हमें सर्दी निसल कंजेशन रोकना है, एलर्जी रोकना है, तो हमें एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो हिस्टामिन को ब्लॉक कर दे, राइट। तो हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन के दो काम देखे अपन ने, एक तो एंट एसिड, एक तो एंट एलर्जी, ठीक है। दोनों अलग अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसक्यूलाइजर्स पे आते हैं भैया। ट्रांसक्यूलाइजर क्या होता है? ये स्ट्रेस को रिलीफ करते हैं, एंग्जाइटी को रिलीफ करते हैं, इंड्यूस करते हैं स्लीप को। एक ब्रॉड वैरायटी है, इसमें और बहुत सारे क्लासेस आते हैं। पहला क्लास के अंदर आता है एंटी डिप्रेशन, ठीक है, कॉमन वर्ड डिप्रेशन आजकल, तो डिप्रेशन को कम करे, तुम्हारे मूड को रिलैक्स करे, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेशेंट। एग्जाम्पल इप्रोनियाजिड, फेनिलजाइन। कुछ माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर्स है, मान लो किसी को एंग्जाइटी हो रही है, एग्जाम के पहले एंग्जाइटी है, ठीक है, सो नहीं पा रहा है, तो उसको अपन माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर दे सकते हैं। एग्जाम्पल क्लोरोडाइएपॉक्साइड एंड मेप्रोबैमेट, याद कर लेना, ये माइल्ड का एग्जाम्पल है। एंटी डिप्रेशन, इप्रोनियाजिड, फेनिलजाइन, माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर, क्लोरोडाइएपॉक्साइड एंड मेप्रोबैमेट। इक्वानील एक ऐसा ट्रांसक्यूलाइजर है जो एंटी डिप्रेशेंट भी है और एंटी हाइपरटेंसिव भी है, मतलब डिप्रेशन भी कम करता है, हाइपरटेंशन भी कम करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपरटेंशन है, जिनमें बीपी का दिक्कत है, ठीक है, हाई बीपी होता है, उनमें अपन इक्वानील प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो एंटी डिप्रेशन के साथ साथ एंटी हाइपरटेंसिव भी है, इक्वानील। इसके बाद आते हैं स्लीप इंड्यूसिंग, उसको कहते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक मतलब जो स्लीप को लाए, ऐसे लोग जिनको आपको नींद नहीं आती ना, उनको अपन स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं, बार्बिट्यूरेट्स। क्या नाम होता है भैया? बार्बिट्यूरेट्स स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं। एग्जाम्पल वेरोनाल, सेकोनाल, अमाइटाल, नेम्ब्यूटाल, टाल टाल, नाल नाल, ठीक है। अदर्स कुछ ड्रग्स होते हैं वैलियम, सेरोटोनिन, ये भी तुम्हारे ट्रांसक्यूलाइजर्स के एग्जाम्पल्स, याद कर लो बस, ठीक है, पूरा क्लियर इन डेप्थ। इसके बाद है एनल्जेसिक्स। एनल्जेसिक मतलब होता है पेन को एबोलिश करने वाले या पेन को कम करने वाले। कब काम आते हैं एनल्जेसिक्स? जब किसी को ऑपरेशन हो गया हो, किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी का कोई हड्डी हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया, ट्रॉमा में है, बहुत दर्द हो रहा है उसको, तो हमको उसको एनाल्जेसिक देंगे जो उसके बॉडी का जो पेन है वो कम करेगा। इसमें दो कैटेगरी आती है, नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। भैया नॉन नार्कोटिक क्या होता है? जिनका एडिक्शन नहीं होता, नॉन एडिक्टिव होते हैं ये, ठीक है, मतलब इनकी लत नहीं लगती, लत नहीं लगती, नॉन नार्कोटिक। एग्जाम्पल पैरासिटामोल, सब लोग खाते हो, ठीक है, दर्द होता है, फीवर आता है, एस्पिरिन। अब इन दोनों की खास बात है, स्पेशली एस्पिरिन की, ठीक है, एस्पिरिन की खास बात यह है कि ये पेन रिड्यूसिंग भी है, ये एनाल्जेसिक भी है, इसके साथ साथ ये एंटीपायरेटिक भी है, मतलब फीवर कम करते हैं, पायरेटिक मतलब फीवर हीट, और एंटी क्लॉटिंग भी है, मतलब ये पेशेंट जिनको हम सुनते हैं जिनको हार्ट अटैक आने वाला होता है, हार्ट अटैक आ गया होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन वगैरह, तो उनमें अपन ये उनको देते हैं ताकि एंटी क्लॉटिंग हो, ठीक है। तो पैरासिटामोल जो है वो फीवर काम करता है, एनाल्जेसिक है, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है, एंटी क्लॉट है और एनाल्जेसिक, तीनों है, राइट। नार्कोटिक्स की बात करूं तो ऐसे ड्रग जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, नाम सारे सुनोगे, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडिन वगैरह, ठीक है, ये ऐसे ड्रग्स है ना जो सच में तुम्हें लत लग सकती है। लोग तुम्हें देखो नशा करते हैं, मॉर्फिन का, हीरोइन एक ड्रग है, बहुत हार्मफुल ड्रग, ठीक है, लेकिन ये काम किस लिए आता है? पेन रिलीव करने में काम आता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें भयानक पेन है और वो पेन पैरासिटामोल या एस्पिरिन से नहीं रुक रहा, उनको डॉक्टर कहते हैं भाई इसको बचा लो, मॉर्फिन दे दो, हीरोइन दे दो, लत लगेगी नहीं लगेगी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पे आते हैं भैया। एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हो, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हो कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हमने जो गोलियां खाते ना, गोलियां भाई हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, तो एंटीबायोटिक खा रहे, वो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये वाले होते हैं, पानी के साथ घोल के पी लिया, बढ़िया, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम इसमें होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही अफेक्ट कर रहे हो, उनको ही मार रहे हो,
ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को बस मार रहे हो, तो कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एग्जांपल पेनिसिलिन जी, ये नीट 2019 का सवाल है और ये जेई के अंदर भी इस साल आ रखा है। सेकेंड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऐसे एंटीबायोटिक जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट वंस मारते हो, सबसे ज्यादा काम यही आते हैं। ठीक है, हम लोग मान लो हमें इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो इतना चेकिंग हम लोग करते नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन, हम लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक खाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो भी होगा बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, एम्पीसिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद कर लेना। अब एक दो और कैटेगरी बांट रखी, एक नैरो स्पेक्ट्रम, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक और इसमें याद कर लेना लिमिटेड स्पेक्ट्रम, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहां पे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, स्टेटिक का मतलब है कि ग्रोथ को रोक दिया, स्टेटिक स्टॉप कर दिया, साइडल का मतलब है किल कर दिया बैक्टीरिया को। एक होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना, दूसरा होता है बैक्टीरिया को ही मार देना, साइडल। तो जो स्टेटिक है उसको याद करने की ट्रिक है एक्सेट्रा, स्टेटिक एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब ईटीसी, ई से एरिथ्रोमाइसिन, टी से टेट्रासाइक्लिन एंड तुम्हारा सी से क्लोरामफेनिकोल, राइट। बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब होता है किलिंग करना, इसका एग्जांपल है पाव, साई पाव, ठीक है, तो साइडल का एग्जांपल है पाव, मतलब पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सिसिन, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है। एक सवाल जो जेई में इस साल पूछा गया था 2021 में जेई में और 22 में, कि जो तुम्हारा पेनिसिलियम है और क्लोरामफेनिकोल कितने कितने काइरल कार्बन से, ठीक है, तो यहां पर मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, एक काइरल, दो काइरल, तीन काइरल, लिख लो ये एंटिटी के अंदर कि इसके अंदर तीन काइरल कार्बन से, इसके अंदर एक और दो, दो काइरल कार्बन से, राइट, तो इसके अंदर दो, इसके अंदर तीन। अब एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स भी क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। कुछ होते हैं एंटीसेप्टिक, सेप्टिक मतलब स्किन, सेप्सिस, तो ऐसे जो अपन स्किन पे लगा ले, ऐसे जो अपन स्किन पे लगा ले, लिविंग टिश्यू या वूंड पे लगा ले, कभी हम लोग बचपन में गिर गए, मतलब मान लो हम गिर गए, ठीक है, तो पेरेंट्स कहते थे भाई सोफ्रामाइसिन लगा ले, फ्यूरासिन लगा ले, डेटॉल लगा ले, ठीक है, तो क्या क्या होता है, सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, डेटॉल। डेटॉल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन नीट में पूछा गया है, क्लोरोक्सीइनोल प्लस टर्पिनॉल, क्लोरोक्सीइनोल प्लस टर्पिनॉल क्वेश्चन नीट में आ सकता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी यूज होता है, और आंखों में अगर इन्फेक्शन है कोई आंखों में, तो यू कैन यूज बोरिक एसिड फॉर आईस, बोरिक एसिड अपन लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। डिसइन्फेक्टेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब ये ऐसे हम लोग पोछा लगाने में काम आते हैं, कोई अलमारी साफ करनी है, फर्श साफ करना है, उसमें अपन डिसइन्फेक्टेंट काम में लाते हैं, फिनॉल वगैरह होते हैं, क्लोरीन वगैरह इसमें होता है। बट यहां पर खास बात यह है, मैक्सिमम चीज है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक्ट करती है एज डिसइन्फेक्टेंट एंड लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक्ट करती है एज एंटीसेप्टिक। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, देखो अगर फिनॉल कॉन्सेंट्रेशन 0.2% है देन इट इज एंटीसेप्टिक, अगर फिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 1% है तो ये डिसइन्फेक्टेंट है। क्लोरीन का भी वैसा ही कंडीशन है। एंटी फर्टिलिटी मतलब जो तुम्हें पता ही है, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी पिल्स जो होती है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, इस्ट्रोजन इसमें होता है इथेनॉल एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन इसमें होता है नॉरएथिंड्रोन, नॉरएथिंड्रोन प्रोजेस्टेरोन है, एंटी फर्टिलिटी में होता है, और इस्ट्रोजन होता है इथेनॉल एस्ट्राडियोल, नॉरएस्ट्रोन कहते हैं इसको। अब आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, क्या होते हैं भैया, ये ऐसे होते हैं, मान लो किसी को डायबिटीज है या फिल्म स्टार हो गए या बड़े बड़े लोग हो गए जिनका पैसे की कमी नहीं है, वो क्या करते हैं ना, शक्कर नहीं खाते, क्योंकि शक्कर में कई प्रॉब्लम्स होती है, शुगर में प्रॉब्लम्स होती है, तो शुगर नहीं खाते, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट खाते हैं जिनमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती, कैलोरीज नहीं होती, और वो सब चीजें कॉस्ट नहीं करती, डायबिटीज के पेशेंट के लिए काम आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम नॉर्मल शुगर से 100 times ज्यादा स्वीट होता है। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज है ये, लेकिन ये कुकिंग टेम्परेचर पे, ठीक है, जब हम लोग इसको बनाते हैं, कुक करते हैं, ये अनस्टेबल होता है, राइट, बट इसका जो इंडेक्स है वो 100 है। सैक्रीन का इंडेक्स होता है 550, राइट, सुक्रालोस का इंडेक्स है, याद करना ये बता रहा हूं प्लीज, क्वेश्चन नीट में आ रखा है, जेई में आ रखा है, 600, ये भी स्टेबल है। एलिटेम हाईएस्ट पोटेंसी है, सबसे ज्यादा मीठा होता है ये, इसका इतना सा ड्रॉप है ना पूरा खाना मीठा कर देगा, इसका पोटेंसी है 2000 और ये भी स्टेबल है। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं, सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, C6H5COON, ये फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, खाने को प्रिजर्व करने में ये हेल्प करते हैं। क्लींजिंग एजेंट क्या होता है, ये किसी चीज को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, राइट, सोप्स में टॉयलेट सोप होता है, मेडिसिनल सोप होता है, फ्लोटिंग सोप जिनमें एयर बबल्स हो,
राइट और ये एक लाइन याद करना एनसीईआरटी की कि पोटेशियम सोप्स ज्यादा अच्छे होते हैं सोडियम सोप्स के कंपैरिजन में। डिटर्जेंट में क्या क्या होता है, अनायनिक डिटर्जेंट होते हैं, कैटायनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। अनायनिक का एग्जांपल है सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फेट, जैसे कि सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है। सिटाइल ट्राइमिथाइल इथर किसका है, कैटायनिक का है, लेकिन ये महंगे होते हैं। नॉन आयोनिक जो है इसका एग्जाम्पल होता है स्टीरिक एसिड प्लस पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये डिश वॉशिंग जो करते हैं घर पे बर्तन धोते हैं वो होता है नॉन आयोनिक, के क्वेश्चन नीट में पूछ सकते हैं। तो यहां पे अपने चैप्टर खत्म हो गए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, डिसडार्जिन, ठीक है, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कैंसर सेल्स को किल करता है। ये ऐसी एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो कैंसर सेल्स को किल करता है, कौन सा, डिसडार्जिन, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ चीजें थी जो पता होनी चाहिए थी। चैप्टर अपन ने 15 मिनट में खत्म कर दिया है। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सारे नोट जिससे आप भी चैप्टर खुद से 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऐसे ही और टॉपिक चाहिए तो कॉमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय बाय।